अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, करते हैं स्टार्ट वीडियो का। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी हूँ, अपना और अपना ही अपना और अपना ही, क्योंकि मैं ही बस उठी हूँ, बच्चे उठे हैं अभी ना। मैं सबसे पहले ये कल अंडे लेके आए थे 2 पैकेट, और मेरी ना फ्रिज जो है ना, उसकी ना जो अंडे रखने वाला हिस्सा है ना, वो 6 अंडों का है। तो ये मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ कीक मार्केट से। तो इसके अंदर मैं जब अंडे रख लेती हूँ, ऊपर एक दरवाजा है उसके ऊपर ना, आराम से जो स्पेस है वो भी मुझे मिल जाती है, और अंडे भी आराम से बच जाते हैं। और बाज का तो ऐसे होता है ना कि अंडे अगर सामने नजर ना हो तो कहते हैं अंडे खत्म हो गए, लेकिन एमरजेंसी में ये जो मेरा हिस्सा है ना, ये मेरे बच जाते हैं, मुझे पता होता है अंडे हैं। तो नाश्ता बना रही हूँ, तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने आपको बोला ना छुट्टियां हुई हैं, तो वॉइस ओवर करने के लिए जगह नहीं मिलती। जहाँ बैठते हैं ची चू चा चू शुरू हो जाती है, और अभी जहाँ मैं बैठी ना, वहां पे बड़े वाले चू 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 आ गए। तो अभी मेरे मियाँ अंदर आ गए हैं, तो मैंने कहा चले आ जाए आप भी साथ, सलाम अलैकुम करें, क्योंकि तुसी अपनी वीडियो तो जाना नहीं, तो तुसी भी करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है सबकी? ठीक ठाक? नहीं, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या चाल है सबकी? यार अल्लाह मियाँ आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। सही है, चलो जी, तुहानू सवेरे सवेरे दुआ मिल गई, होर तुहानू की चाहिए। अच्छा जी, अंडा बना रही हूँ, तो ऑयल जी थोड़ा सा जरा ज्यादा चला गया, लेकिन कोई नहीं, इग्नोर करियो। मैं तो घर छड़िया सी कल चुप करके, मैंने कहा खाना तो खाना है। तो अभी अंडा बनाया, साथ मैंने ना बाहर टोस्टर रखा था कि मैं टोस्ट करती हूँ, टोस्टर में टोस्ट करती हूँ, लेकिन फिर मेरी सलाह बदल गई। मैंने कहा नहीं, एनजी टोस्ट सही नहीं, क्योंकि ब्राउन टोस्ट फ्रेश लेके आई थी ना, तो वो वैसे ही बड़े अच्छे हैं, वो जरूरी नहीं आप गर्म करें। तो अभी चाय डालते हैं और अपना नाश्ता बनाते हैं। अच्छा, ये जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो ये भी उठ के आ गए थे। अभी इनका मैं दिखाती हूँ इन्होंने क्या नाश्ता किया, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट टाइम इन्होंने वो जूस या हो, नहीं नहीं अजीब जहा नहीं, अल्लाह ताला माफी दे, कोई खान पीन की चीज अजीब नहीं होंगी, लेकिन तुसी अगर ना कभी कोई खाधी हो या पीती हो या चीज तो तुम अजीब लगती है ना। अच्छा नाजरीन, एनू ना मैं एदा मैं तरला किया कि रात की दाल पई, पता नहीं कि मैं इतने पराठा बना दे, कहती नहीं हूँ असि ना अपनी सेहत का ख्याल रखना करना है। तो इतने इन्हें मैं आप ए वाला नाश्ता कर लिया, और मैनू इन्हें ना एक चीज पे आई है। खैर एडी अल्लाह ताला माफी दे, माड़ी नहीं है, दिखाने लगा हूँ आपको, वो तुसी बोलो, तुसी भी तो मेनू पियाया है ना, मतलब मैं ना, मैंने 2 गिलास भरे हैं, हाफ मैंने अपना लिया है और इन्होंने फुल पिया है। अच्छा, ये चिकंदर का जूस है, इसके इतने बेनिफिट है ना, गूगल करके देखे ना आपके, इसके क्या नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं। तो असी ना बड़े अच्छे अच्छे बच्चे बन के ना, बड़े हूँ चीजा गूगल करी थी, आ रहे थे, कोशिश करी थी कि ये स्टार्ट करना है। तो ये कल हम लोगों ने, मैंने हाफ ये वाला जूस डाला था और हाफ जो है ना वो मैंने ऑरेंज लिया था, और इनको मैंने फुल ग्लास ये दिया है। अब इनका फुल ग्लास इसके अंदर जाएगा। तो मैं साल आया के पीता है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे ना सही बात है ना, कभी पिया नहीं, तो उसकी जो आप एक घूंट लेके छोड़ते ना, तो साह दी जिहड़ी खुशबू चढ़ दी ना, खुशबू नहीं कहांगी, मतलब वो इस तरह के तुसी ओही गल जिस तरह के तुसी सब्जियां के जो सब्जियां पड़ी होती ना एक साइड पे, तो उनकी जो स्मेल निकलती है ना, वो वाली आती है। और जब इन्होंने स्टार्ट किया, इनको मैंने कहा एक सांस में पी जाए, फिर तुसी पीता? आहो नहीं नहीं शुक्र है अल्लाह मियां दा, मैं फिर पी के ना ते भज के जाके मैं 1/2 किलो पानी भी पीता। हाँ, क्योंकि इसके बाद जरूरी है पानी पीना, लेकिन ये है कि पीना चाहिए। सच्ची मजाक एक साइड पे, ऐसी चीजें आप ना अपनी जिंदगी में शामिल करें, कोई मतलब ये नहीं कि किसी ने आके आपको दे रहा है, खुद ही करना पड़ता है। तभी ना फान एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब साडे घर दे विच ना अजकल फुल जिहड़ा ना अच्छा माहौल हो गया है। तुसी फल देख रहे हो, जूस देख रहे हो, एक्सरसाइज देख रहे हो, पेट जो काम करूँ ना, पेट काम करूँ, ऐसे करता रहता है। तो कल भी वो बैठा बैठा कर रहा था कि फिर ना एक दफा कर लेते ना, महीना पूरा वो एक दिन ही चलांदा है कि मेरा तो पेट घट हो गया, मैं तो एक्सरसाइज की थी। अच्छा जी, ये जो इनकी फरमाइश बन रहा है परता बैंगन का, अच्छा ये जो मैंने नॉर्मल जो चूल्हे है ना, जो बिजली वाले, उसके ऊपर मैं रख रही हूँ, ताकि ये ना कहें कि आपके तो गैस वाला आपके पास है, तो हम कहाँ पे इसको करें। तो मैंने एक्स्ट्रा हाफ इधर कुक की है, और हाफ में दूसरे चूल्हे पे लेके जाऊंगी, ताकि आपको इजी इजी लगे ना, इस पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। नहीं तो यह कितों रेंद आई गए थे चूल्हे के उत्ते रख के? नहीं, मेरे मैं नॉर्मल गैस वाले चूल्हे पे करने लगी थी, फिर मैंने यह थी कि अक्सर नहीं ना होंगे किसी को चूल्हा, तो फिर थोड़ा जो मैं भी कभी कभी इंज दी लकीर दे फकीर जैन जी वेखना उंज ही करना है। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा जो हम दिमाग चलना पे ना, नहीं इंज भी कर लेने, तो इसलिए मेरी अभी वो छोटी बहने हैं जो नई नई कुकिंग सीख रही है ना, उनके लिए ये आइडिया कि आप हाँ इस पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, गैस वाले चूल्हे भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इन्हों पसंद है बहुत ज्यादा, जिहड़ा नाज़रीन है तकरीबन ना कोई
ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੜਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਡਾਲਾ ਤਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਅਬ ਮੈਨੇ ਐਡ ਕੀਆ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਜ ਨਾ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਭੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਸ ਸੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਲਵਾਇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿਤ ਕਰਤੇ ਸਟਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਬਿੰਗਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੋ ਮੈਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾੜ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅਭੀ ਇਹ ਬਨੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਤੋ ਇਨਕੋ ਲੱਗੀ ਥੀ ਭੂਖ ਤੋ ਕਹਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੋ ਵੀ 2 ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਕੀ ਸੈਲਡ ਸਾਥ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰੋਟ ਲਈ ਮੈਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੀਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਸਮੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ बस एक रोटी खाओ तो एंजॉय करो जिंदगी अपनी जी लेकिन वो भी ये ना सच्ची बात है गलत बात है 24 घंटे में एक दफा ही खाना खाते हैं तो वो ऊंट मंगू ना एक और ही पेट भर लेंगे ने तो फिर बाद में कुछ नहीं खाते फल कुछ नहीं तो लेकिन अब ना इनकी थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो होता है ना बंदा ब्रेक ले लेके आधे घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा बंदा खाना है वो ज्यादा बेस्ट होता है ना तो अब इनको थोड़ी आदत डाल रहे हैं देखें कितनी देर चलती है नहीं इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर नाल ना मैं तो समझ दो ना अच्छा मैंने प्याज जो है ना वो टमाटर इकट्ठे क्रश करके ना तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके अंदर नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया डाल के इसका मसाला भुना है और मसाला भून के जो मैंने बैंगन है ना जो मैंने करके रखे हुए थे मैश उनको अंदर डाल के इनकी बनाइश नहीं करके तो थोड़ा सा पानी भी मसाले में ऐड करूंगी ताकि मसाला जो है ना वो नीचे ना लगे नीचे हंड नहीं लगनी चाहिए अच्छा तू मैं गल शुरू करन दिया सी ते तू कह 1 मिनट ठहरो मैं मसाले तस लें दो ते मेनू ना बुशरा अंसारी याद आ गई ते ओदी गल ही याद आ गई कि बिस्ती जी नहीं हो गई नहीं नहीं बिस्ती जी नहीं हो गई लेकिन ये बताना तो जरूरी है ना फिर तुसी ते टोर जाना है ते जेडे कमेंट्स मेनू वाले ने तुसी बाजी रेसिपी ते पूरी दित्ती नहीं गल्ला पता करके चले गए ये देखे इसकी लास्ट अच्छा मजेदार बड़ा बनाया सच्ची में बनाने की बस आलस होती है लेकिन जब बन जाता फिर कहते वाजवा कि मजेदार चीज बना ली है मैं तो अब मैं हरी मिर्चें के अंदर डालूंगी और साथ में डालूंगी फ्रेश धनिया काट के मैंने धो के रखा हुआ है ते ओ ऐ मैनू याद करवायो मैं सही करना अभी रे वीडियो डाल वीडियो के वॉइस पर जब करती ना तभी मैं अपनी वीडियो की खुद ही गलतियां निकालती हूं तभी मुझे कुछ गलत लगा तो मैं अपनी मियां की ड्यूटी लगा रही कि मैनू याद करवाए वॉइस ओवर तो बाद में सही करना है जी ना चला जाए तो ये देखे धनिया शनिया तो तोड़ के तो तुसी तनूर दी रोटी बनाओ चुपड़ के तेरा के खाओ कैसा वेरी गुड वेरी गुड चलो जी इतने मैनू दो इजाजत इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज चलो जी मैनू भी इतने दो इजाजत ते हुन मैं अपनी बुड्ढी दी ड्यूटी लानी है कि रोटियां बनाए ते मैनू खवाए ते अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज